जैसे कि हमारा 10th क्लास में चैप्टर चल रहा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ओके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो माय फर्स्ट हेडिंग, सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। और इसमें हमारा फर्स्ट हेडिंग है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। तो आप जल्दी से हेडिंग कर लीजिएगा, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन, विथ ऑक्सीजन। क्लियर? जल्दी से आप लोग हेडिंग डालें। और हम यहां पर हाँ, और जैसे कि हम नॉन मेटल लें या कार्बन लें, ठीक है, तो देखो इसमें भी भाई जैसे मैंने विद कार्बन, कार्बन के साथ, विद कार्बन, ठीक है, कार्बन की रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ कर रहा हूं, ठीक है, तो कार्बन प्लस ओ टू, ये फ्रॉम एयर, एयर से मिल जाएगी, फ्रॉम एयर, ठीक है, फॉर सीओ टू, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखना कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर के साथ कंबाइन होकर एक एसिड बनाता है, वीक एसिड, जिसे हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, सीओ टू डिजोल्व इन वॉटर कोमा फॉर्म कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। देखिएगा H2O प्लस CO2 गिव्स H2CO3, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ऐसे ही मैं यहां पर ले सकता हूं सल्फर, तो ए मैंने जैसे कार्बन लिया, बी विद सल्फर, सल्फर के साथ, विद सल्फर। देखिएगा सल्फर की रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन के साथ एयर से मिलेगी, बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस आप जानते हो, सल्फर डाई ऑक्साइड। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइन विद वॉटर, ये वॉटर के साथ कंबाइन होकर, ये वॉटर के साथ कंबाइन होकर बनाएगा सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, SO2 डिजोल्व इन वॉटर, इन वॉटर कॉमा फोर H2SO सल्फ्यूरस एसिड के लिए, सल्फ्यूरस एस यूर पी एच ओ आर ओ यू एस सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। अब देखना एसओ टू वॉटर के साथ प्लस एच टू ओ बनाएगा सल्फ्यूरस एसिड एच टू एसओ थ्री। देखो ये सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO3। आप जल्दी से इन केमिकल रिएक्शंस को नोट कीजिएगा, यस, बी फास्ट। तो यहां पर कार्बन हो गई, सल्फर, सल्फर हो गई, और हमने इनकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, और जो ये ऑक्साइड बनते हैं CO2 और SO2, इनकी रिएक्शन वाटर के साथ क्या फाइनली कंपाउंड बने, ये मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया, जल्दी से नोट करेंगे।
अब देखो यहां पर ये मैंने कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है ये बहुत ज्यादा अमाउंट में जितनी रिक्वायरमेंट है एयर से मिल जाएगी, लेकिन यदि मैं ऑक्सीजन गैस को कम अमाउंट में इनसफिशियंट अमाउंट में यहां पर भेजू तब CO2 ना बनकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है। ठीक है, तो चलो मैं इसी के साथ करा रहा हूं रिएक्शन भाई न्यू, हाँ लिखिए। चलिए तो इसके बाद आप यहां पर चलेंगे, देखना न्यू लाइन से लिखिएगा सम नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, सम नॉन मेटल्स लाइक कार्बन रिएक्ट विथ इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कोमा फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड देखिएगा। ठीक है, तो ये तो हमारी दो मेन केमिकल रिएक्शन हो गई। अब इसके बाद मैं न्यू, आप लोग नोट करके यहां पर लिख लीजिएगा इस बात को, नोट रिएक्शन ऑफ कार्बन विद इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। देखिएगा रिएक्शन, हां रिएक्शन ऑफ कार्बन विद इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, देखना कार्बन ऑक्सीजन कम अमाउंट में है, हमारे यहां पर ऑक्सीजन कम अमाउंट में है तो यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। इस बात को नोट करके भी आप यहां पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ठीक है, ये तो चलो नोट करके मैंने लिखा दिया। अब नंबर सी रिएक्शन या विद हाइड्रोजन देखना हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ क्या बनेगा, हमारा वाटर बनेगा। ठीक है, तो जल्दी से आप इन केमिकल रिएक्शंस को नोट कीजिएगा। हाँ, जल्दी से आप इन केमिकल रिएक्शंस को नोट करें। इसके बाद रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। ठीक है, ये तो मेरा फर्स्ट हेडिंग कंप्लीट हुआ, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। अब इसके बाद रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, ठीक है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। देखो नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है तो नो रिएक्शन। ठीक है, जल्दी से नोट करें। हां, जल्दी से नोट कीजिएगा। ऐसे ही रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड, थर्ड रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड यहां भी रिएक्शन नहीं होती है, यानी नॉन मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड नो रिएक्शन। नोट करें इस केमिकल रिएक्शन को भी। इसके बाद माय नेक्स्ट हेडिंग इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सोल्ट सॉल्यूशन,
विद सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। हाँ, यानी कि नेक्स्ट स्टडी, नेक्स्ट नंबर, नंबर फोर, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, सॉरी रिएक्शन ऑफ मेटल, हम एक्चुअली इसका कंपाउंड लेंगे नॉन मेटल का, तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन, विद सॉल्ट सॉल्यूशन। देखो जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन में सोडियम ब्रोमाइड ले लो, NaBr, है ना, NaBr सोडियम ब्रोमाइड की रिएक्शन, मैं क्लोरीन के साथ ये मैंने 2 ले लिए, तो 2NaCl बन जाएगा और यहां से ब्रोमीन बाहर आ जाएगी, तो 2Na के साथ 2Cl, 2NaCl, 2 ब्रोमीन प्लस का Br2, प्लस का Br2, क्लियर। इसके बाद रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन, देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन, शॉर्ट में बेटा RXN लिख देते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन, विद क्लोरीन के साथ, ठीक है। जैसे मैं यहां पर हाइड्रोजन गैस लू, क्लोरीन के साथ 2HCl है, ठीक है, और यहां पर इसके बाद मैं फॉस्फोरस ले लू, फॉस्फोरस देखिए P4 प्लस Cl2 बनेगा PCl3, एक फॉस्फोरस के साथ 3 क्लोरीन, तो 4 के साथ 12 क्लोरीन, यहां पर 3, तो ये बन गया आपका 4, सॉरी यहां पर लो 4, एक के साथ 3, 4 के साथ 12, यहां पर लीजिए 6, देखो 1 फॉस्फोरस के साथ 3 क्लोरीन, अब 4 के साथ कितने होंगे, 12 होंगे, अब Cl2 में 2 क्लोरीन, तो मैं 6 मॉलिक्यूल, यहां पर ये मेरी केमिकल रिएक्शन बैलेंस होगी। जल्दी से आप लोग नोट कीजिएगा इन केमिकल रिएक्शंस को, हाँ जल्दी नोट करें। इसके बाद ठीक है, यहां तक करने के बाद रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन, देखिएगा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन, ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है ये मेरा, हां रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन, विद हाइड्रोजन। देखो जैसे मैंने सल्फर ले लिया H2 के साथ, ठीक है, सल्फर हाइड्रोजन के साथ, तो ये आप हमारा बनेगा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। मैं N2 ले लूं हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन की रिएक्शन, तो ये बनेगा 2NH3 अमोनिया गैस बनती है, 2NH3 अमोनिया, ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस, तो ये 3H2। देखो हैवर्ट क्रॉस्टॉप अमोनिया के नाम से फेमस है, आप लोग जल्दी से केमिकल रिएक्शन को नोट करें। तो क्लास ये हमारी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुई, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। आप लोग एक्चुअली इन केमिकल रिएक्शंस को एक बार समझ कर लिख कर देखिएगा, अपने नोट्स टाइम पर पूरा करें, ओके ओके क्लास। इसके बाद हमारा इस चैप्टर में सेकेंड टॉपिक चलेगा, ठीक है, कि वहां पर आप लोग पढ़ोगे आयनिक बॉन्ड क्या है, यानी टाइप्स ऑफ बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड,
कैसे कैसे ये कंपाउंड्स बनते हैं, कैसे कैसे ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को लेते या देते हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके बाद मिलेगी।